लोग थ्योरी पढ़ चुके हैं एपी जीपी एचपी रिलेशन बिटवीन मींस, क्वेश्चंस में हम लोगों ने एपी जीपी का देख लिया और एचपी का क्वेश्चन देखते हैं, फिर रिलेशन बिटवीन मींस थ्री समेशन ये सब देखेंगे हम लोग। तो स्टार्ट में करता हूं एलिमेंट्री क्वेश्चन से। पीएफ टर्म ऑफ एन एचपी इज क्यू एंड द क्यू टर्म ऑफ द सेम एचपी इज पी, देन फाइंड पी प्लस क्यू टर्म। आपको मैंने समझाया था कि एचपी के जो टर्म्स होते हैं वो एक्चुअल में एपी के टर्म्स को रेसिप्रोकल करने से मिलते हैं। याद करेंगे ऐसे, जैसे एपी का सीरीज इस तरह ए ए प्लस डी ए प्लस टू डी इस तरह, तो एचपी के टर्म्स इस तरह में जाते हैं वन बाई ए प्लस डी वन बाई ए प्लस टू डी। इसे समझने की बात यह है कि अगर एचपी का थर्ड टर्म आप देखोगे उसका रेसिप्रोकल करके हम लोग क्या करते हैं, एक करस्पॉन्डिंग एपी बनाते हैं, ठीक है। तो आप यहां से रिलेट करोगे पीएच टर्म ऑफ एन एचपी इज क्यू, इसका करस्पॉन्डिंग एपी बना हुआ है, तो करस्पॉन्डिंग एपी का मतलब हुआ इस एचपी के हर टर्म्स का रेसिप्रोकल कर दे। तो जो आप रेसिप्रोकल करोगे तो जो करस्पॉन्डिंग एपी बनेगा उस करस्पॉन्डिंग एपी का ये जो पीएच टर्म है वो 1 बाय क्यू हो जाएगा। जैसे आप देखो एपी का थर्ड टर्म है रेसिप्रोकल किए थे एचपी का थर्ड टर्म, एचपी का थर्ड टर्म है रेसिप्रोकल किए थे एपी का थर्ड टर्म, ठीक है ना। इस कांसेप्ट को हम लेके चलते हैं कि लेट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ द करस्पॉन्डिंग एपी, ध्यान देंगे करस्पॉन्डिंग एपी मैं इसलिए लिख रहा हूं कि ये एचपी के टर्म्स को रेसिप्रोकल करने से जो एपी मिल रहा है उसको हम लोग कहते हैं करस्पॉन्डिंग एपी। तो फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ द करस्पॉन्डिंग एपी इज A and D respectively, ऐसा मान लो, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, इस चीज को ध्यान रखें PH term Q के बराबर किसका, HP का। जब आप reciprocal कर देंगे तो HP बदल जाएगा AP में और PH term कितना जाएगा 1 by Q, तो आप इस तरह लिखेंगे PH term TT is equal to 1 by Q, यानी कि A plus P minus 1 D this is equal to 1 by Q। उसी तरह से QH टर्म जो है TQ, QH टर्म HP का P है, corresponding AP का QH टर्म 1 by P हो जाए, तो आप देखेंगे this is equal to 1 by P, यानि A plus Q minus 1 D is equal to 1 by P, ठीक है। हमारे पास दो unknown quantities है A और D, इसको निकालना है तो आप minus कर लीजिए इसमें, इस तरह A A cancel हो जाएगा, जो आप घटाओगे इसको तो आ जाएगा P, देखिए minus one plus one कैंसिल हो जाएगा तो PD और minus QD मिलेगा, P minus Q into D is equal to one by Q minus one by P जो कि P minus Q by P Q हो जाएगा। तो आप कैंसिल कर लेना, देखो ये P minus Q ये P minus Q कैंसिल हो जाएगा, इस तरह D का जो वैल्यू है ना वो one by P Q आ जाएगा, क्लियर है, D का वैल्यू one by P Q। अब ये जो PH टर्म को one by Q लिखा था इसको इक्वेशन वन और सेकंड वाले को टू मान लेते हैं, इसमें क्या करना है d का वैल्यू 1 by pq आप पुट कर देंगे, d का वैल्यू 1 by पुट करो 1 by pq, तो फ्रॉम द इक्वेशन 1 देखिए हमारे पास है a plus p minus 1 into, ठीक है इस d की वैल्यू हम 1 by pq डाल रहे हैं 1 by pq 1 by pq is equal to 1 by, अब देखो आएगा a plus p into 1 by pq हो गया 1 by q minus 1 by pq ये हो गया 1 by q 1 by q 1 by q कैंसिल हो रहा है, इस तरह a का वैल्यू भी 1 by p q भी आ गया। तो आपके पास फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस दोनों मिल गए हैं, तो हमें निकालना है p plus q टर्म, p plus q टर्म किसका hp का, तो आप पहले क्या करो ap का p plus q टर्म निकालो, p plus q टर्म ऑफ ap हो जाएगा a plus p plus q minus 1 into d, a का वैल्यू है 1 by p q plus p plus q minus 1, d का वैल्यू है 1 by pq, ठीक है। अब आप क्या करना pq एलसीएम ले लो, देखो ये 1 और ये p plus q minus 1 ये 1 कैंसिल हो जाएगा, तो करस्पॉन्डिंग ap का p plus q टर्म निकल रहा है p plus q by pq, तो आप बताओ p plus q टर्म p
पी प्लस क्यू एच टर्म ऑफ एच पी, ये क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल कर देना होगा, पी क्यू डिवाइडेड बाई पी प्लस क्यू। ठीक है, इस तरह से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। कैलकुलेशन आपको एपी के मेथड से करना है, करस्पॉन्डिंग एपी बनाते हुए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए pth टर्म ऑफ एंड hp इज qr एंड qth टर्म ऑफ द सेम hp इज pr, फाइंड द rm टर्म। ठीक है, एकदम पिछले सवाल की तरह चलिए, और आप क्या करें फिर पहले की तरह करस्पॉन्डिंग एपी तैयार करेंगे। ठीक है, तो एचपी के टर्म्स का रेसिप्रोकल करते हुए जब जाएंगे तो एचपी का जो पीएच टर्म है, जब रेसिप्रोकल करेंगे तो करस्पॉन्डिंग एपी का पीएच टर्म हो जाएगा, लेकिन तब रेसिप्रोकल होंगे ए वन बाई क्यू आर हो जाएगा। तो आप पिछले सवाल की तरह करो, फर्स्ट टर्म को ए मान लो, कॉमन डिफरेंस को डी मान लेते हैं। ठीक है, लेट द फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी, किसका, करस्पॉन्डिंग एपी का। तो आप ऐसे लिखोगे TP इज इक्वल टू, ये हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल 1 बाय QR। ठीक है, और करस्पॉन्डिंग एपी का फर्स्ट टर्म में ए मान रखा है, कॉमन डिफरेंस d मान रखा है, तो ये बराबर हो जाएगा a plus p minus 1 into d is equal to 1 by QR। ठीक, इसी तरह सेकंड लाइन देखिए, QH टर्म कितना है PQ में, QH टर्म इज इक्वल टू PQ, तो करस्पॉन्डिंग एपी का क्यू टर्म क्या हो जाएगा, 1 बाई पी क्यू, रेसिप्रोकल 1 बाई पी क्यू। अब ये बराबर हो गया a प्लस क्यू माइनस 1 इनटू d इज इक्वल टू 1 बाई पी क्यू। आपको घटा देना है इसमें, पिछले सवाल की तरह ही डिडक्ट करिए इसको। अब देखिए a कैंसिल हुआ, ये आ जाएगा p माइनस क्यू इनटू d इज इक्वल टू 1 बाई क्यू आर माइनस 1 बाई पी क्यू, इनिशियल सेम आ जाएगा पी क्यू आर, ऊपर में देखो आ रहा है QR डिवाइड के आ गया P माइनस Q। इस तरह से हमारे पास D का जो वैल्यू है, देखिए ये P माइनस Q, ये P माइनस Q कैंसिल होगा, D का वैल्यू आ रहा है 1 बाई PQR। ठीक है, एंड नाउ फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन, ये जो फर्स्ट इक्वेशन हम लोगों ने बनाया, PH टर्म ऑफ द HP इज QR एंड PH टर्म ऑफ द करस्पॉन्डिंग AP इज 1 बाई QR, इसमें और यहां गड़बड़ लिख दिया मैंने, ये D P पुट कर लिए, D का वैल्यू ये पुट कर लिए, हो जाएगा ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी का वैल्यू है 1 बाई पी क्यू आर, क्योंकि हो गया 1 बाई क्यू आर के बराबर। ठीक है, अब देखिए मल्टीप्लाई करके क्या रहा है, ए प्लस पी इंटू 1 बाई पी क्यू आर, ये होगा 1 बाई क्यू आर माइनस 1 बाई पी क्यू आर इज इक्वल टू 1 बाई क्यू आर, ये क्यू आर वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो आप पाओगे कि ए का वैल्यू भी 1 बाई पी क्यू आर ही आएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, आर एक टर्म निकालना है। तो बताओ करस्पॉन्डिंग एपी का जो आर एक टर्म निकालेंगे तो आ जाएगा ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी, बताने की जरूरत नहीं, आपको क्या करना है ए और डी का केवल वैल्यू डाल देना है। ए का वैल्यू है 1 बाई पी क्यू आर प्लस आर माइनस वन इंटू डी का वैल्यू भी है 1 बाई पी क्यू आर, आप एलसीएम लो नीचे पी क्यू आर। ठीक है, अगर 1 प्लस आर माइनस वन, ये 1 1 कैंसिल, आर आर भी कैंसिल होगा, रिजल्ट आ जाएगा 1 बाई पी क्यू। ठीक है, ये करस्पॉन्डिंग जो एपी बना उसका आर टर्म 1 बाई पी क्यू है, तो आप एपी का जब टर्म्स रेसिप्रोकल करेंगे तो फिर वापस एचपी में चला आएगा। तो आर टर्म ऑफ द एचपी कितना होगा, आर टर्म ऑफ एचपी इज इक्वल टू पी क्यू। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन है ऑर्डिनरी लेवल का। अब हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं कुछ बेसिक क्वेश्चंस की तरह। If a to the power x is equal to
v to the power y is equal to c to the power z and a b c are in GC. ठीक है, then x y z are in. अब इसमें चार ऑप्शन आपके सामने हो जाते हैं कि ये जो x y z है वो किस में होगा, ये ep में है कि gp में है या hp में है या none of these, जो भी आप समझो. ठीक है, तो थ्री टर्म्स का एक रिलेशन मैंने पहले बताया था, कोई बार रिकॉल कर लो. अगर abc ap में होता है तो आपने पढ़ा था कि b माइनस a बराबर होता है c माइनस b, इस तरह 2b का हल a प्लस c निकल आता है. राइट, ये हुआ ap का मींस का रिलेशन. b अरिथमेटिक में निकल आता है, वो a प्लस c बाय 2 हो जाता है. अगर वो hp में आता है, hp में a b c आर इन hp, तो जब रेसिप्रोकल करेंगे इसका 1 by c, ये ap में आ जाएगा. और तब क्या होगा, AP में होने के चलते मिडिल टर्म का जो डबल होता है 2 बाई बी, वो फर्स्ट और थर्ड का समेशन हो जाएगा और ये बराबर आ जाता है C plus A by C AC. तो B की वैल्यू आपके सामने आ जाती है 2AC by A plus C. ठीक है ना, और ये मैं पहले बता चुका हूँ, ये चीज याद रखने की जरूरत है कि B हार्मोनिक मीन कहलाता है. अगर A B C H P में है तो B हार्मोनिक मीन कहलाता है A और C का, और B is equal to 2AC by A plus C होता है. यानी तो फिर ये रिलेशन ध्यान रखो, ये 2 by b बराबर 1 by a plus 1 by c, इससे 1 by a, 1 by b, 1 by c ap में होगा और abc hp में होगा. ठीक है, फिर gp के रिलेशन याद है कि अगर ये gp होता है, अगर gp होता है तो b by a बराबर c by b, उससे b square equal to आ जाता है ac. ठीक है, तो ये बार बार जरूरत पड़ेगी. चलिए सॉल्यूशन प्रोसीड करते हैं हम लोग. देखो कहते हैं कि लेट ये जो a to the power x equal to b to the power y equal to c to the power z, जो दिया हुआ है इसको आप कुछ नंबर मान लो, मान लो जैसे k मान लेते हैं, suppose this is equal to k. ठीक है, अब फर्स्ट रो उठाओ, जैसे यहां a to the power x is equal to k. ठीक है, हम दोनों तरफ क्या करते हैं, पावर 1 by x कर देते हैं, पावर 1 by x. अब क्या पाते हैं उससे, a का वैल्यू निकल जाता है k to the power 1 by x. क्लियर, इसी तरह अगर आप सेकंड उठा दे कि b to the power y is equal to k और दोनों तरफ हम पावर 1 by y कर दें, तो आप क्या पाओगे इसमें, b is equal to k to the power 1 by exactly. जब थर्ड से आप उठाएंगे c to the power z equal to k, तो c कितना है, k to the power 1 by. इस तरह इंडिविजुअली हम लोग क्या किया कि a b और c को इंडिविजुअली हमने k के टर्म्स में निकाल लिया. अब हमारे सामने है कि a b c ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जीके में, तो वो रिलेशन याद कीजिए कि बिकॉज ए बी सी आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, देयरफॉर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इनटू सी, और बी किसके बराबर है, तो बी देखो यानी क्या हो, के टू द पावर 1 बाय 1, उसका स्क्वायर कर दी हो जाएगा के टू द पावर 2 बाय 1 इज इक्वल टू ए इनटू सी. ए है के टू द पावर 1 बाय एक्स, सी है के टू द पावर 1 बाय जेड. ठीक है, और ये पावर ऐड कर लीजिए k to the power 1 by x plus 1 by z. अब क्या पाएंगे कि 2 by y जो है वो बराबर आ गया है 1 by x plus 1 by z. इसका क्या मतलब हुआ कि 1 by x, 1 by y, 1 by z ये ap में होगा, और फिर इसका रेसिप्रोकल कर देंगे आप तो x y z किस में आ जाएगा, hp में. इसलिए ये रिलेशन आंसर सही होगा, x y z आर इन hp. ठीक है, ये आप उसे सॉल्व करोगे इससे यहां से, तो y बराबर आ जाएगा 2xz by x plus h. If HB the harmonic mean, HB the harmonic mean between A and B, then prove that 1 by H minus A plus 1 by H minus B is equal to 1 by E plus 1 by A. It's simple calculation question, कुछ नहीं है.
जब आपको एच हार्मोनिक बीम कह दिया है तो एच की वैल्यू आप डायरेक्टली केवल पुट करना होगा, जानेंगे क्योंकि ये एच जो है वो हार्मोनिक बीम है ए और बी का। तो आप एच को क्या लिखोगे, एच इज इक्वल टू ट्वाइस ए बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, क्लियर है? ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे आप क्या है, 1 by h minus a plus 1 by h minus b, आपको h की वैल्यू केवल ये डाल देनी है, ठीक है, वो कैंसिल होकर अपने आप हो चला जाएगा, ठीक है, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, आप चाहो तो दूसरे नहीं कर सकते हो, 1 by twice ab by a plus b minus a plus 1 by twice ab by a plus b minus is equal to 1 by, आप देख लो यहाँ इधर twice ab माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाई ए प्लस प्लस वन बाई ट्वाइस ए बी माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर है ना डिवाइडेड बाई ए प्लस। अब ए प्लस बी तो ऊपर चला जाएगा, दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी बाईस, यहां देखो आप टू ए बी माइनस ए बी, ए बी बचेगा ए बी माइनस ए स्क्वायर AB minus A square plus second question में आएंगे ये होगा A plus B divided by AB minus A square, ठीक है, देखो 2AB minus AB ये AB रह गया और AB minus B square, ठीक है, याद देखिए LCM लेंगे तो आप इसको factorize कर लोगे इसमें तो A common लेकर B minus A आएगा। चलो मैं एक step और ज़्यादा ही कर लेता हूँ, तो ऐसे this is equal to A plus B, ठीक है, आप कॉमन ले लो ऊपर में आप तब फैक्टर में लिखो ए प्लस बी, यहाँ ए प्लस बी बाहर निकाल के नीचे होगा वन बाई ए इंटू बी माइनस, इसमें ए प्लस बी को बाहर निकाले तो ऊपर में वन बचेगा और नीचे बी कॉमन लिए हो गया बी माइनस ए, ठीक है, आप इसको उलट दोगे तो माइनस साइन आ जाएगा, ये बराबर आएगा ए प्लस बी है ना, नीचे हुआ ए बी into b minus a, a into b minus a divide करें तो b बचेगा, ये हो जाएगा b minus b into b minus a divide करें, ठीक है? आप देखिए b common लिया, बाद में a minus b, अब b into ये b minus opposite side का, ज़्यादा यहाँ पर minus आ रहा है, ठीक है? यहाँ पर देखो b कॉमन लिया, इन दोनों में b कॉमन लिया, यहाँ a बच रहा है और यहाँ माइनस b बच रहा है, दिस राइटिंग हुई जस्ट। अब इन दोनों का LCM अगर हम ले रहे हैं तो a b और b माइनस a बना लिया, इससे आप डिवाइड करिए a b माइनस a b बचेगा, ये लिख लो आप b into 1 और जब आप इससे डिवाइड करेंगे तो ये माइनस 1 देगा डिवाइड करके, तो a आएगा विथ माइनस साइन तो माइनस a हो जाएगा। अब ये b माइनस a कैंसिल हो जा रहा, तो रिजल्ट आया आपके पास a plus b by ab, तो आप इसको अलग करेंगे a by ab होगा 1 by b, b by ab a 1 by a, ठीक है, तो ये केवल कैलकुलेशन का सवाल है जिसमें खाली h की वैल्यू हार्मोनिक में जो 2ab by a plus b वो केवल पुट कर देनी थी, पुट कर दिया सवाल बन गया, ठीक है। इसी तरह का एक सवाल और दिखाता हूं आपको, if cos x minus y cos x and cos x plus y are in HP then find the value of cos x into sec y, आप सिंपल हार्मोनिक मीन की थ्योरी लगा दो, cos x क्या है हार्मोनिक मीन, इसको ये मान लीजिए इसको b इसको c कहता है a b c h p में है तो b कितना होता है twice a c by a plus c, ठीक है, यहाँ पर त्रिभुज की जरूरत पड़ेगी आपको, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ cos x is equal to 2 times a into c cos x minus y into cos x plus y
डिवाइडेड बाय ए प्लस सी, यानी कि कॉस एक्स माइनस वाई प्लस कॉस एक्स प्लस वाई इस तरह, ठीक है। और याद होगा तो याद करिए, कॉस ए माइनस बी इंटू कॉस ए प्लस बी कितना होता है, ये होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। तो आप लिखोगे इसको टू टाइम्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई इस तरह, डिवाइडेड बाई नीचे cos x cos y plus sin x sin y, ये होगा cos x cos y minus sin x sin y, तो ऐड होके होता है 2 cos x cos y हो जाता है, ये 2 टू कैंसिल होगा, फिर आप cos मल्टीप्लाई करिए इसको यहां लगा, तो ये हो जाएगा cos square x into cos y is equal to cos square x minus sin square y, ठीक है। माइनस साइन स्क्वायर वाई को मैं लेफ्ट ले आता हूं और लेफ्ट वाले को राइट ले आता हूं, तो रिजल्ट ऐसा हो जाएगा साइन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू वन माइनस कॉस वाई। ये जो साइन स्क्वायर वाई है इसको आप ले सकते हो वन माइनस कॉस स्क्वायर वाई, और वन माइनस कॉस स्क्वायर वाई हो जाता है वन माइनस कॉस वाई इंटू वन प्लस कॉस वाई, ठीक है, वन इस तरह। और ये बराबर हो गया कॉस स्क्वायर एक्स इंटू वन माइनस कॉस वाई। अब देखो ये वन माइनस कॉस वाई कैंसिल हो गया, ठीक है, 1 plus cos y को पता है ये होता है 2 cos square y by 2 is equal to cos square x। ये cos square y by 2 को right side में ले जाओगे तो आएगा 2 is equal to cos square x into sec square y by 2। हमें निकालना है इसका square cos x into sec y by 2 चाहिए, square root करना होगा। तो अब देखेंगे यहाँ से cos x into sec y by 2 ये आपका value आ जाएगा कितना, plus minus root 2, ये answer। तो आप देखो कि सीक्वेंस सीरीज का एक ही काम यूज किया था कि ये ए बी सी एच पी में है, बी बराबर ट्वाइस ए सी वाई ए प्लस सी, बाकी का सारा काम ट्रू करता है, ठीक है। If A, B, C are in HP, prove that 1 by A plus 1 by B minus 1 by C into 1 by A minus 1 by C minus 1 by A is equal to 3 by B square minus 4 by AC इस तरह, ठीक है। इसमें ऑब्जेक्टिव भी बनाया जा सकता है, जैसे मान लो दिया था 3 by B square minus K by AC, पूछता K कितना होगा, ठीक है, स्टेट है। आपको फिर वही चीज यूज करनी है, ये हार्मोनिक मीन वाला जो रिलेशन है A B C H P में है तो आपको पता होना चाहिए कि B कितना होगा, twice AC by A plus C, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन इस तरह से है, आप देख लो LHS is equal to, इसको अरेंज करना है थोड़ा, तो आप देखो कि 1 by A minus 1 by C, इसको मैं एक जगह ला सकता हूं 1 by A minus 1 by C, इसको एक टर्म बना दो plus 1 by A S, और ये जो सेकंड टर्म है 1 by A minus 1 by C minus 1, दूसरा टर्म बना दिया, ठीक है। आपके दिमाग में ये चीज आ सकती है थोड़ी देर, ये ए और सी को क्यों साथ मिला रहा है, क्योंकि आपको पता है जब ए बी सी एच पी में होता है तो इससे आप याद करिए क्या रिलेशन मिलता है, हमें मिलता है 2 बाई बी इज इक्वल टू 1 बाई ए प्लस 1 बाई सी, ये मिलता है, ये ध्यान रखिए, ठीक है, क्योंकि ए बी सी एच पी में है तो या तो बी बराबर ट्वाइस ए सी बाई ए प्लस सी लिखोगे, क्योंकि यहाँ रेसिप्रोकल फॉर्म में सब लिखा हुआ है, तो इस तरह लिखते हैं 2 बाई बी इज इक्वल टू 1 बाई ए प्लस 1 बाई सी, ठीक है। इसलिए ए और सी को साथ बना लिया था तो बी को मैंने अलग कर लिया, ठीक है। अब देखो इसको लिख सकते हो, ये हुआ एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, तो क्या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, सिंपल, कुछ खास चीज नहीं हुई है इसमें। अब ये चीज जो है एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, इसको हमने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अब इसमें आना फर्स्ट टर्म जो बन रहा है इसको यहां से डिलीट करना,
यहां बीच में प्लस साइन चाहिए और आया क्या माइनस साइन, तो प्लस मिलाने के लिए क्या करोगे आप, तो क्लास 7 जेड से पढ़े x माइनस y होल स्क्वायर जो होता है वो x प्लस y होल स्क्वायर माइनस 4xy हो जाता है। तो आप इसको लिखो दिस इज इक्वल टू 1 बाय a प्लस 1 बाय c होल स्क्वायर माइनस 4 इनटू 1 बाय a इनटू 1 बाय c 4 बाय ac माइनस 1 बाय b, ठीक है। और 1 बाय a प्लस 1 बाय c की वैल्यू यहां से आप उठाकर पुट कर देंगे 2 बाय b यहां डाल देंगे, तो जब आप इसमें 2 बाय b डालोगे 2 बाय b होल स्क्वायर माइनस 1 बाय b स्क्वायर माइनस 4 बाय ac, ये कितना हो गया देखो ये हो जाएगा 4 बाय b स्क्वायर माइनस 1 बाय b स्क्वायर, तो ये बराबर आ जाएगा 3 बाय b स्क्वायर माइनस 4 बाय ac। ये यही प्रूव करना था, सिर्फ एक सब्स्टिट्यूशन है और अरेंजमेंट है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखे हम लोग x1 x2 x3 dot xn b in xp, ठीक है, that proves that x1 x2 plus x2 x3 plus x3 x4 and dot plus xn minus 1 into xn is equal to n minus 1 into x1 xn, ये क्वेश्चन जो है कॉमन क्वेश्चन है और कंपटीशन में भी आया हुआ क्वेश्चन है। तब एक यहाँ n टर्म्स है ना, n टर्म्स की जगह कभी 4 टर्म कभी 5 टर्म डालकर ये पूछा जाता है, अब इसको कैसे हैंडल करोगे, तो देखो चूंकि x1 x2 x3 xn hp में है इसलिए सबसे पहली बात 1 by x1 1 by x2 1 by x3 सिर्फ है 1 by xn, ये ap में आ जाएगा और इसकी कॉमन डिफरेंस जो है वो इक्वल टू d आप एज्यूम कर लो, लेट द कॉमन डिफरेंस इज d, ठीक है। इसका फायदा क्या होगा कि आप सेकंड माइनस फर्स्ट करोगे क्या निकलेगा उससे कॉमन डिफरेंस, तो फिर कैसे आएगा 1 by x2 minus 1 by x1 is equal to d, ठीक है। इसे हमें एक टर्म चाहिए x1 x2 x1 x2 कैसे आएगा एलसीएम लेने से आएगा, ठीक है। तो आप एलसीएम ले लो, देखो x1 minus x2 by x1 x2 equal to d, ठीक है। इससे आप आगे बढ़ेंगे कितना है x1 minus x2 is equal to d into x1 x2, ठीक है। सेकंड टर्म में आएंगे इसी तरह से 1 by x3 minus 1 by x2 ये भी हो, ठीक है, फिर एलसीएम लेंगे और इसी तरह जब आप फिर एलसीएम लोगे देखो आएगा x2 minus x3 by x2 x3 is equal to d, तो ये x2 minus x3 जो है ये हो जाएगा d into x2 x3, ठीक है। तो इस तरह बढ़ना है 1 by x4 minus 1 by x3 equal to d, फिर यहां से आ जाएगा x3 minus x4 equal to d x3 x4, ठीक है। इस तरह लास्ट में जब आप चले जाओगे 1 by xn minus 1 by xn minus equal to d, तो यहां से रिजल्ट आपके सामने आएगा xn minus 1 minus xn is equal to d into xn minus 1 into xn। आपको क्या करना है एक बार यहां ऐड करो, इसको जब ऐड करो देखो ये कैंसिल होना शुरू हो जाएगा, ठीक। और कितनी बार हुआ यहां से काउंट करो इसे 1 2 3 n minus, या 2 से काउंट करो 2 3 4 n, तो नंबर ऑफ टर्म्स n minus 1 होगा, ये d कितनी बार आएगा n minus 1 टाइम्स, और यहां रिजल्ट पूरा देखो 1 by xn minus 1 by xn minus 1 this is equal to n minus 1 d n minus 1 d, ठीक है। जब आप इसका LCM separate लोगे, इसका separately LCM लोगे,
तो देखना रिजल्ट आएगा एक्स एन माइनस वन माइनस एक्स एन इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू डी इंटू एक्स वन वन बाई एक्स एन माइनस एक्स एन माइनस एक्स वन ये वन बाई एक्स वन बच रहा है और यहां वन बाई एक्स एन बच रहा है तो रिजल्ट आ रहा है एक्स वन माइनस एक्स एन इज इक्वल टू एन माइनस वन डी इंटू एक्स वन एक्स एन कितना बच रहा है इस रिजल्ट से देखिए ठीक है और यहां रिजल्ट यहां देखो ये x2 x2 कट रहा है x से x4 इस तरह कट जाएगा यहां जोड़ने से आएगा x1 minus xn x1 minus xn is equal to d common और ये d common लेके आपको ये सारे टर्म्स मिल जाएंगे x1 x2 plus x2 x3 इस तरह बढ़ते हुए ये आ जाएगा xn minus 1 xn तो आपको ये जो टर्म रिजल्ट आया ये और ये रिजल्ट दोनों का आरएचएस देखो और आरएचएस बराबर करो जब आरएचएस बराबर होती है डी कट जाएगा एलएचएस में ये पूरा जाएगा और आरएचएस में आएगा एन माइनस वन एक्स वन एक्स जो यहाँ पर है एन माइनस वन एक्स वन एक्स फिर से रिकॉल कर लिए सिंपल सा केस है क्योंकि नंबर टर्म्स ज्यादा था है ना बोर्ड थोड़ा दिखाने में दिक्कत होती है तो थोड़ा लंबा कैलकुलेशन रहता है जेई मेंस में ये चार पांच टर्म देकर देता है एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर एक्स फाइव इतना तक देकर क्वेश्चन पूछा हुआ भी 1 by x1, 1 by x2, 1 by x3 ये सब AB में है, common difference में d मान लिया, second minus first d, third minus second d, fourth minus third d, इस तरह से nth term minus n minus 1 nth term ये d, उसके बाद हमने सबको add कर दिया, ये कटता चला गया, इधर का first term का 1 by x1 बच जाता है, last term का 1 by x1 बच जाता है, जब आप इसका LCM लेते हो, तो x1 minus x1 बराबर n minus 1 d x1 से आ जाता है, क्योंकि ये d n minus 1 times है, ठीक है, n minus 1 d और x1 x1 ये LCM लेते हैं जब इसका पहले ही हम लोग एलसीएम ले लेते हैं तो x1 माइनस x2 जो है वो आ गया dx1 x2 यहां से x2 माइनस x आ गया dx2 x3 इस तरह लास्ट में जितने मिलते हैं सबको जब ऐड कर लेते हैं तो आता है x1 माइनस xn इज इक्वल टू d कॉमन लिए देखिए x1 x2 plus x2 x3 plus x3 x4 plus xn माइनस 1 x अब करना क्या है कि ये टर्म और ये टर्म बराबर कर देना है क्योंकि दोनों के एलएचएस बराबर है x1 माइनस xn दोनों के बराबर है तो आरएचएस भी बराबर होंगे ऑटोमेटिकली ये रिजल्ट आ जाएगा मित्र जी चौक एक और ऑर्डिनरी क्वेश्चन में दे रहा हूं इफ द एम बिटवीन टू नंबर्स एक्सीड्स देयर जीएम एक्सीड्स देयर जीएम बाय फोर and the gn exceeds their hm by 16 by 5 then find the number देखिए वो सिंपल सी चीज है क्या लिख रहा है कि a between two numbers exceeds their gm by 4 and the gm exceeds their hm by 16 by 5 ठीक है तो आप नंबर्स को कुछ अज्यूम कर लीजिए ठीक है लिखता हूं कि लेट द नंबर्स आर a एंड b लेट द नंबर्स आर a एंड b और इसका a gm hm को आप मान लीजिए जैसे एम मान लेते हैं ए
जीएम मान लीजिए जी, एच एम मान लीजिए एच, तो ए एम जो है ए एम को ए, जीएम को जी और एच एम को एच एज्यूम कर लिया जा रहा है। तो क्वेश्चन मिलता है कि ए एम एक्सीड्स जीएम बाय 4, इसका मतलब हुआ कि ए माइनस जी जो है कुछ ए जो है जीएम से चार ज्यादा है, तो ए माइनस जी 4 हो जाएगा। ठीक है, जीएम जो है वो एक्सीड कर रहा है एच एम से, जी माइनस एच ये हो जाएगा कितना 16/5। ठीक है, तो आपके सामने दो डेटा है, ए माइनस जी इक्वल टू 4, जी माइनस एच इज इक्वल टू 16/5। हमें क्या करना है कि एक रिलेशन पता है उसका इस्तेमाल और करना है। वो एक रिलेशन ये है कि g स्क्वायर बराबर होता है ah, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, तीनों क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन ज्यादा ये a, g और h, ये तीनों नंबर किसमें होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है। इसलिए g स्क्वायर बराबर a into h होता है, ये पहले से पता है कि g स्क्वायर बराबर होता है a into h। यहां से देखो कि g स्क्वायर बराबर a, यहां से निकालो a का मतलब कितना हो जाएगा g प्लस 4, g प्लस 4 और h यहां से, ये देखिए हम लोग सिंपल ये कर रहे हैं कि g स्क्वायर और h ही हमें पता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a माइनस g 4 है, यहां से हम लोगों ने a निकाल दिया g के टर्म्स में, g माइनस h 16/5 है, तो h निकालेंगे, h निकल आएगा g माइनस 16/5। ठीक है, इस तरह इसका एडवांटेज ये होगा कि आप g निकालेंगे क्या क्या हो जाएंगे, g स्क्वायर इज इक्वल टू देखो आ रहा है g स्क्वायर और 4g माइनस 16/5, यानी कि g कॉमन ले लो हो जाएगा 4 माइनस 16/5 और फिर माइनस हो रहा है 16/4। ये g स्क्वायर g स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, फिर आप देखिए रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्ट हुआ z इनटू 5/20 माइनस 16/4/5 जो हो जाएगा 4/5 and this is equal to 16/5। ठीक है, ये 5 का कैंसिल हुआ, g आपके पास आ रहा है 16, इस तरह 16, क्योंकि g रूट a b के बराबर होता है, अगर a और b गिवन नंबर्स है a और b, तो a और b का ज्योमेट्रिक में रूट a b होता है, रूट a b 16, इस तरह से a b का जो वैल्यू है वो आ गया 256। ठीक है, और अर्थमेटिक मीन का यूज करना इसमें कि a जो है वो बराबर है g प्लस 4, यहां पर था ये a बराबर g प्लस 4, तो g आपके पास 16 है, 16 जोड़ 4 ये 20 हो जाएगा। तो इस तरह से आप देखें कि a प्लस b का जो वैल्यू है, चूंकि a प्लस b बाय 2 20 होता है, तो a प्लस b 40 हो गया। ठीक है, a है a प्लस b बाय 2। ठीक है, a इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ a एंड b, a plus b by 2 is equal to 20, इसलिए a plus b 40 आ गया, तो a plus b हमें मालूम हो गया और a भी हमें मालूम हो गया। ठीक है, तो आपको मालूम है सम और प्रोडक्ट अगर दिया हुआ हो तो क्वालिटी क्वेश्चन ऐसा ले लीजिए, x square minus a plus b into x plus a b equal to 0, इसका रूट फिर आता है a और b। ठीक है, x square minus a plus b into x plus a और इसका रूट से b आता है, तो आप इसको लिख कर लिख सकते हैं x square minus 48 plus 64 is equal to 0। ठीक है, इससे आप x का वैल्यू निकाल देना जो a और b हो जाएगा। ठीक है, A1, A2, dot dot, A10, B in AP, ठीक है, and H1, H2, dot H10,
बी इन एच पी इफ ए वन इक्वल टू एच वन इक्वल टू टू एंड ए टेन इज इक्वल टू एच टेन इज इक्वल टू थ्री फाइंड ए फोर इंटू एच सेवन ए फोर इंटू एच सेवन इसका वैल्यू क्या होगा सिंपल क्वेश्चन है ठीक है अब गौर से देखिए तो समझ में ये आएगी कि दोनों ही सीरीज ये जो एपी सीरीज है और ये जो एचपी सीरीज है दोनों ही सीरीज के फर्स्ट टर्म सेम है ए वन इक्वल टू एच वन इक्वल टू टू और दोनों ही सीरीज के जो टेंथ टर्म है ए टेन और एच टेन दे आर इक्वल टू थ्री आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि टू और थ्री ए वन और ए टेन के बीच में आठ अर्थमेटिक मीन डाले गए हैं उसी तरह से ये टू एच वन टू है एच टेन थ्री है टू और थ्री के बीच में यहाँ आठ यानी एट हार्मोनिक मीन डाले गए ठीक है तो पहले एपी से स्टार्ट करता हूं मैं इसको अब एपी में आओ क्या लिखोगे आप ए टेन इज इक्वल टू ए वन प्लस नाइन इंटू डी वेयर डी इज द कॉमन डिफरेंस क्लियर है ए टेन इज थ्री ए वन इज टू इज इक्वल टू नाइन इंटू डी इस तरह से आप देखो कि इस ए टेन में ए वन को हमने डिवाइड किया थ्री माइनस टू नाइन दिया जाएगा और D का वैल्यू आ जाएगा 1 बाय 9 ठीक हमें चूंकि A4 निकालना है तो आप देखोगे therefore A4 is equal to A1 plus 3D A1 आपके पास है 2 plus 3 into 1 by 9 ठीक है ये 3 से कट जाएगा ये 3 ठीक है तो आप देखो 3 2 या 6 और plus 1 ये आ जाएगा 7 by 3 ठीक है A4 को निकाल लेंगे अब हार्मोनिक मीन वाले टर्म पर आएंगे हार्मोनिक मीन वाले टर्म पर आएंगे तो आप सबसे पहले याद करिए कि एच पी के टर्म्स का रेसिप्रोकल करते हैं तो करस्पॉन्डिंग ये भी बनता है यानी 1 बाय एच 1 1 बाय एच 2 इस तरह से 1 बाय एच 10 ये भी एपी बनाएगा तो ये तो 1 बाय 2 है 1 बाय एच 1 तो 1 बाय 2 हो गया क्योंकि एच 1 2 एच 10 जो है वो 3 है तो 1 बाय जो एच 10 है ये तो 1 बाय 3 ठीक है और अगेन आप देखोगे 1 by 3 कैसा टर्म है 10th टर्म है तो आप लिखोगे 1 by 3 is equal to 1 by 2 plus 9 into common difference d इस पर common difference d को मैंने capital D से रिप्रेजेंट कर रखा है क्योंकि ये different d की है बस समझ लो hp के टर्म्स जो हैं उनका रेसिप्रोकल किया गया करेस्पोंडिंग ap बना h1 फर्स्ट टर्म था hp का 2 के बराबर 1 by h1 किया तो करेस्पोंडिंग ap का फर्स्ट टर्म बना 1 by 2 उसी तरह से H10 का रेसिप्रोकल 1 by H10 corresponding AP का 10th टर्म बना इस corresponding AP का common difference अगर हम कैपिटल डी लेते हैं तो होगा 10th टर्म 1 by 3 is equal to 1 by 2 plus 9 into D तो 1 by 3 minus 1 by 2 बराबर 9 into D D आएगा 9 into D और देखिए ये होगा 2 minus 3 minus 1 by 6 is equal to 9 into D इस तरह से d की जो वैल्यू आपके पास आ रही है दिस d इज इक्वल टू -1 / 54 ठीक है हमें चाहिए h7 तो h7 के लिए आप अरे इस et का रेसिप्रोकल में जाओगे 1 / h7 आएगा 1 / h7 ठीक है 1 / h7 इज बेसिकली द 7th टर्म ऑफ दिस करस्पोंडिंग et 7th टर्म 1 / h7 इज द 7th टर्म मतलब आप इसको लिखेंगे a1 फर्स्ट टर्म 1 / h1 plus 6 into d क्लियर किसी एपी का जब 7 टर्म होना होता है 7 टर्म क्या लिखते हो फर्स्ट टर्म प्लस 6 इनटू डी एन टर्म ए प्लस एन माइनस 1 डी 7 टर्म यहां देखो h1 / h1 फर्स्ट टर्म 1 / h2 सेकंड टर्म 1 / h7 7 टर्म इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस 6 इनटू डी 1 / h7 हमें निकालना है 1 / h1 इज 1 / 2 प्लस 6 इनटू ये हो रहा है माइनस 1 / 54 ठीक है 6 9 का 54 ये हो जाएगा 1 / 2 माइनस 1 / 9 आपको समझ आ गया 18 जरा 9 माइनस 2 यानी 7 बाय 18 तो h7 जो निकल कर आपके सामने आ रहा है देखो h7 इज 18 बाय 7 रेसिप्रोकल और हमें निकालना है द प्रोडक्ट ऑफ a4 एंड h7 तो आप देखोगे देयरफॉर a4 इनटू h7 a4 है 7 बाय 3 और h7 है 18 बाय 7 ठीक है 7 7 कैंसिल होगा 3 6 18 इस तरह से 6 आपके सामने आंसर आ जाएगा ठीक है एक अच्छा सवाल था आईआईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है
देखो कहते हैं द वैल्यू ऑफ x प्लस y प्लस दैट इज इक्वल टू 15 इफ a x y z b आर इन a b why the value of 1 by x plus 1 by y plus 1 by y is equal to 5 by 8 if a x y z b are in hp find a and b okay आपने एपी में पढ़ा होगा कि फर्स्ट और लास्ट का सम ए प्लस बी सेकंड और सेकंड लास्ट टर्म का सम वो भी ए प्लस बी थर्ड और लास्ट थर्ड टर्म का सम ए प्लस बी इसको ऐसे कहते हैं आर ए टर्म फ्रॉम द बिगनिंग और आर ए टर्म फ्रॉम द एंड उसका समेशन हमेशा फर्स्ट प्लस लास्ट के बराबर होता है किसी एक छोटे कॉन्सेप्ट का यूज हो जाएगा इसमें ठीक है कैसे आप देखेंगे इसमें फर्स्ट लाइन को इग्नोर कीजिए इससे क्लियर हो जाएगा ये एक्स वाई जेड भी आर एपी में तो a प्लस बी बराबर होगा x प्लस जेड इक्वल टू टू वाई ठीक है y को आप क्या समझोगे x और z का भी अर्थमेटिक मीन है वो और वो a और b का भी अर्थमेटिक मीन है क्लियर है तो आप इसको ऐसे लिखोगे कि a प्लस बी इज इक्वल टू x प्लस जेड एंड दिस इज इक्वल टू टू वाई ठीक है तो चूंकि दिया हुआ है हमारे पास बिकॉज वी आर गिवन x plus y plus z is equal to 15 ऐसा दिया हुआ है तो आप इस x plus z की जगह देखो ये जो x plus z है x plus z इसको replace करते हैं a plus b से plus और a plus b बराबर 2y तो y की वैल्यू हो जाएगी a plus b by 2 ठीक है ऐसे बराबर 15 by 2 अब देखो इसमें a plus b plus half और a plus b ये रिजल्ट आएगा 3 times a plus b by 2 is equal to 15 इस तरह a plus b की वैल्यू आपको मिल जाएगी 10 के बराबर 10 ठीक है सिमिलर कांसेप्ट यूज करने जा रहे हैं देखिए सिमिलर कांसेप्ट एग्जैक्टली अब ये a x y z भी आर इन ap था अब ये इसका रेसिप्रोकल आ गया है कि x a x y z भी आर इन hp तो इसको भी इसी तरह ap में बदल दिया ठीक है अब इसको ऐसे देखोगे 1 by a 1 by x 1 by y 1 by z 1 by b ये अभी क्यों हो गया तो फिर सेम कॉन्सेप्ट जो हम रिपीट करेंगे तो क्या पाएंगे कि 1 by a plus 1 by b फर्स्ट प्लस लास्ट बराबर होगा 1 by x plus 1 by z बराबर सेकंड प्लस सेकंड लास्ट ठीक है और ये बीच में आ गया है तो बीच में आने चलते वो 1 by x 1 by z का भी हार्मोनिक मीन है पर उल्टा बोल दिया करस्पोंडिंग एपी तो ये 1 by y 1 by x 1 by z का अर्थमेटिक मीन हो गया हार्मोनिक मीन तो वो यहां पर था जब a x y z की लिखते हैं तो y x और z का भी हार्मोनिक मीन है वो a और b का भी हार्मोनिक मीन है तो फिर यहां मैं लिख रहा हूं तो 1 by x plus 1 by z is equal to 2 by y ठीक है फिर c का इस्तेमाल यहां करना है आपको क्या दे रखा है देखिए चूंकि बिकॉज 1 by x plus 1 by y plus 1 by z is equal to 5 by तो 1 by x plus 1 by z इस टर्म को उठाइए 1 by x plus 1 by z इसकी वैल्यू हमको मिल गई 1 by a plus 1 by b के बराबर समझ रहे हैं आप 1 by x plus 1 by z देखो यहां लिखा हुआ है ये बराबर आ गया 1 by a plus 1 by z फिर हमें 1 by y भी चाहिए 1 by y हमें 2 by y क्यों रखा है 2 by y is equal to 1 by x plus 1 by z equal to 1 by a plus 1 by y तो 1 by y यहां से उठाओगे तो आएगा 1 by a plus 1 by b into 1 by 2 which is equal to 5 by a ठीक है आप 1 by a plus 1 by b से common ले लो ठीक है 1 by a plus 1 by b into 3 by 2 is equal to 5 by a ठीक है फिर आप LCM लेंगे आएगा b plus a divided by a b is equal to ये हो जाएगा आपके पास 10 by 24 हमें a plus b मिल चुका है देखिए a plus b का हमें 10 मिला हुआ यहाँ a plus b is equal to 10 तो 10 by a b यहाँ a plus b का 10 मिला है ना इस 10 को यहाँ put कर लो यहाँ
तो 10 बाई AB इज इक्वल टू 10 बाई 24, तो AB की वैल्यू 24 आ गई। हमें A और B तो निकालना था, अब हमारे सामने देखो सम निकल चुका है, प्रोडक्ट निकल चुका है, तो आप इसको इस तरह कर सकते हो कि A एंड B आर द रूट्स ऑफ x स्क्वायर माइनस A प्लस B इनटू x प्लस AB इक्वल टू 0। आपको पता है कि A और B जब रूट्स होता है किसी क्वालिटी का तो इक्वेशन होता है x स्क्वायर माइनस सम इनटू x प्लस प्रोडक्ट और 0। यहां सम और प्रोडक्ट मिला हुआ है, तो जब भी सम और प्रोडक्ट मिले तो आप निकालने के लिए डायरेक्ट इस इक्वेशन का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। x स्क्वायर माइनस सम इनटू x प्लस प्रोडक्ट ये हो गया x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24 = 0। इस तरह इसका जो दो वैल्यू आएगा एक a हो जाएगा और एक b हो जाएगा, ठीक है क्लियर। A, B, C are in AP and A square, B square, C square are in HP. Prove that either minus A by 2 B C are in GP और a is equal to b equal to, मैं डायरेक्ट प्रूफ करने के रूप में दे रखा हूं, लेकिन एक्चुअली ये कई तरह से ऑप्शन बना कर देते हैं। कैसे ऑप्शन बनेगा मैं एंड ऑफ द क्वेश्चन में दिखा देता हूं आपको, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा और सॉल्व करना नहीं आएगा, तो चाहे फिल इन द ब्लैंक्स हो, ओनली वन करेक्ट हो, मोर देन वन करेक्ट हो, आप मैच नहीं करा पाएंगे। तो पहले पार्ट है नॉलेज को ठीक करना, फिर ऑप्शन समझना, ठीक है। ए बी सी ए पी में तो आप सबसे पहले 2b equal to a plus c तो लिख ही दोगे, कोई दिक्कत नहीं। And फिर लिखता है a square b square c square in hp, और hp का रिलेशन पता है कि अगर x y z hp में होता है तो y लिखते हो twice xz by x plus z, तो यहाँ लिखेंगे b square is equal to twice a square c square divided by a square plus c square। ये दो रिलेशन, और सिर्फ इन्हीं दो रिलेशन के हेल्प से हमें कंक्लूजन तक पहुंचना है। एक एपी का रिलेशन, दूसरा ये एचपी का रिलेशन। टू बी इक्वल टू ए प्लस सी लाना, कैसे लाओगे? तो एक यहां से आओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ए स्क्वायर सी स्क्वायर। अब उसको ए प्लस सी में जब तक नहीं बदलेंगे ये रिलेशन यूज होगा नहीं, तो इसको a प्लस सी में कन्वर्ट करें, होगा b स्क्वायर इंटू ए प्लस सी होल स्क्वायर माइनस 26 इज इक्वल टू 2a स्क्वायर c स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद b स्क्वायर इंटू आप a प्लस सी की वैल्यू ये 2b डाल दीजिए, 2b तो 2b का स्क्वायर ये हो जाएगा 2b होल स्क्वायर माइनस 26c माइनस 2a स्क्वायर c स्क्वायर इक्वल टू। फिर देखो ये रिजल्ट आ रहा है 2b का होल स्क्वायर 4b स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 4b स्क्वायर इनटू b स्क्वायर 4b 4 माइनस 2 इनटू b स्क्वायर इनटू ac माइनस 2a स्क्वायर c स्क्वायर इक्वल टू 0। तो 2 की एक फैक्टर यहां कट जाएगी, 2 की एक फैक्टर कट जाएगी, हो जाएगा 2b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ac माइनस a स्क्वायर c स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखो ये फैक्टराइज हो पा रहा है कि नहीं, अगर कुछ नहीं समझ में आया तो एक तरीका ऐसे कर सकते हो कि b स्क्वायर से डिवाइड करो तो फैक्टर दिया जाएगा, या ac होल स्क्वायर से डिवाइड करो तो फैक्टर दिया जाएगा, या थोड़ा सा वॉच करके इसमें देखिए इस तरह आ रहा है 2b स्क्वायर माइनस जो b स्क्वायर ac है उसको मैं लिख रहा हूं प्लस b स्क्वायर ac माइनस 2 * b स्क्वायर ac, ठीक है। ये माइनस b स्क्वायर ac को मैं लिखा b स्क्वायर ac माइनस 2b स्क्वायर ac माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप देखेंगे कि फर्स्ट दोनों में बी स्क्वायर कॉमन है, होगा बी स्क्वायर प्लस ए सी
सेकंड में माइनस बी स्क्वायर कॉमन ले ली, सॉरी ए हो रहा है, बी स्क्वायर टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन।